Hi everyone, welcome back to my channel Sacred English Academy. This is Saloni, an IELTS trainer and a motivational speaker. So today, after doing the past indefinite tense, past continuous tense, now we have got past perfect tense. I hope you have subscribed the channel because the series has already started and now we are going to put the videos on the tenses continuously. So let's start with the past perfect tense. Past perfect tense. Anything that ends with chuka tha, chuki thi or chuke the. Wo tenses jo hote hain, wo past perfect tense hote hain. In other words, I can say, अब मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाती हूँ दूसरे तरीके से कैसे पहचान सकते हैं आपके पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं. एनी एक्शन दैट हैपन्ड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन. कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ है किसी दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले वो आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. जैसे कि जैसे ही मैं घर पहुँचा सोहन जा चुका था. अब चुका था सोहन जा चुका था. मोहन मेरे घर पहुंचने से पहले. इट मीन्स कि मेरे घर पहुंचने से पहले ये भी पास्ट है और सोहन जा चुका था ये भी पास्ट है. लेकिन सोहन जो जा चुका था वो पहले हो चुका है मेरे पहुंचने से पहले. है तो दोनों ही पास्ट बट जो उससे भी पहले हो चुका है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड यूज करना है. एच ए डी हैड. ही शी इट आई वी यू दे. इन सब के साथ यू गोना यूज हैड. एंड कौन सी फॉर्म यूज होगी दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म. यू कैन सी आई हैव रिटन वी थ्री. वी थ्री मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है दैट यू हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. लेट्स सी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मीन्स इसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, नहीं के शब्द ना हो, ना क्वेश्चन हो, ना ही क्वेश्चन और इंटरोगेटिव साथ में हो. दिस इज जस्ट अ सिंपल टेंस. सो सिंपल टेंस अफर्मेटिव टेंस सेज मोहन खाना खा चुका था. अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि मोहन खाना खा चुका था, आई विल चेक इट आउट कि चुका था आ चुका है. सो चुका था मीन्स पास्ट परफेक्ट. जैसे ही मैं चुका था मेरे माइंड में आएगा, इमीडिएटली मुझे याद आ जाएगा कि चुका था पास्ट परफेक्ट में होता है. सो मेरे को याद रखना है दैट आई हैव टू यूज दीज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस के फिर रूल्स देखते हैं. हैड. सो यहाँ पे मैंने हैड यूज किया. मोहन खाना खा चुका था. मोहन हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ईटन एंड खाना इज फूड. Mohan had eaten food. Mohan is a subject here. Had is according to the rule. Eaten is verb third form. And food is object. So, aapko simple mein tense aise banana hai just with the use of had and verb third form. Next, we move on to the negative of the sentence. Negative means jis sentence mein nahi ka use hota hai, not ka use hota hai. And let's see iske rules kya hai. नेगेटिव में विद ही शी इट आई वी यू दे वी हैव टू यूज हैड नॉट. एंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड ही रहेगी. दैट विल नॉट बी चेंज्ड. लेट्स सी विद एग्जांपल. द एग्जांपल सेज नेगेटिव एग्जांपल सेज मोहन खाना नहीं खा चुका था. वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है. सो नहीं मीन्स नॉट. और नॉट वाले सेंटेंसेस के रूल्स में बता चुकी हूँ. हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग. मोहन हैड नॉट ईटन फूड. मोहन वहीं पे रहा सेम अफर्मेटिव की तरह. हैड भी सेम अकॉर्डिंग टू द रूल बट इस बार हैड के साथ नॉट भी आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट. मोहन हैड नॉट ईटन फूड. नेगेटिव में आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हैड और नॉट एक साथ आएंगे. You don't have to use them differently. ये एक साथ ही जाएंगे. Mohan had not eaten food. Mohan is subject. Had and not according to the rule. Verb third form according to the rule and object. This is all about negative. Let's move to the interrogative part now. Interrogative means जब हम किसी से question पूछते हैं. Question means सवाल.
जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई सवाल पूछते हैं, दैट इज इंटरोगेटिव. अब इसको देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हाउ कैन वी आस्क द क्वेश्चन टू समवन. लेट्स सी व्हाट द रूल सेज. रूल सेज कि हमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल. फॉर्म हमारी वर्ब की थर्ड ही नहीं, हैड भी वही है जो पीछे से चलता आ रहा है. नाउ लेट्स सी, दिस इज नेगेटिव एग्जाम्पल. ये मैंने इरेज नहीं की बिकॉज मैं इसी में से आपको इंटेरोगेटिव निकालना बताऊंगी कैसे निकालते हैं. सो अभी तक के लिए आप इसको मत देखे, डोंट लुक एट दिस. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव से. इंटेरोगेटिव में हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, क्या मोहन खाना खा चुका था. सो द क्वेश्चन सेज, हैड मोहन ईटन फूड. दिस इज द आंसर. अब मैंने इसको इंटेरोगेटिव में से कैसे पिक करना है, लेट्स सी. जब मैंने देखा क्या, क्या मींस क्वेश्चन, जब मैंने देखा चुका था, सो चुका था से मुझे पता चल गया दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. अब मुझे क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करना है, सो व्हाट विल आई डू. जैसे मुझे चुका था पता चला, मेरे को दो चीजें याद आ गई, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब इसको पिक कैसे करना है नेगेटिव में से. मोहन हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, हैड हमारा सेकेंड प्लेस पे है. सो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए वी विल इंटरचेंज देयर पोजीशंस. हम इसकी पोजीशंस चेंज कर देंगे. यू कैन सी हियर, जो सेकंड पे था वो हमारा फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट पे था वो हमारे सेकंड नंबर पे आ गया. सो अब इसमें आपका जो नहीं है वो कहीं पे भी नहीं लिखा. सो हम यहाँ पे जो नॉट है इसको कट कर देंगे जब नीचे ट्रांसफर करेंगे. सो द इंटरोगेटिव पार्ट इज, क्या मोहन खाना खा चुका था. सो व्हाट द इंग्लिश सेज, हैड मोहन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फूड. हैड यहां से, मोहन यहां से, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल एंड ऑब्जेक्ट. हैड प्लस सब्जेक्ट, दैट इज मोहन. ईटन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड फूड ऑब्जेक्ट. सो इन दिस वे आप किसी भी चीज को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव में ही उसे पिक कर सकते हो. बस उनकी पोजीशंस इंटरचेंज करके यू कैन मेक द इंटरोगेटिव पार्ट आउट ऑफ द नेगेटिव पार्ट. एंड द लास्ट पार्ट इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. लेट्स सी उसके रूल्स क्या. इन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हमारे पास क्वेश्चन भी होता है और नहीं भी होता है. दैट मीन्स क्या भी होगा और नहीं भी होगा. लेट्स सी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मोहन खाना नहीं खा चुका था. यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या भी है और यहाँ पे हमारे पास नहीं भी है. सो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें क्वेश्चन भी हो एंड नहीं भी हो, उसके रूल्स क्या कहते हैं. लेट्स सी, हैड जो हमारा ऑलरेडी स्टार्टिंग से चल रहा है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे लिखी रखी है. सो दैट आपको हमेशा माइंड में याद रहे कि परफेक्ट में वी हैव टू यूज द वर्ब थर्ड फॉर्म. एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी, क्या मोहन खाना नहीं खा चुका था. हैड सब्जेक्ट मोहन, नॉट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म ईटन एंड ऑब्जेक्ट फूड. हैड मोहन नॉट ईटन फूड. तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट है दैट इज मोहन, वो हैड और नॉट के सेंटर में आएगा. आई एम रिपीटिंग, इन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड दैट इज कि जो सब्जेक्ट होगा हमारा मोहन, वो हैड और नॉट के बीच में आएगा. यही मिस्टेक ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि उन्हें पोजिशन ही नहीं पता चलती कि उन्हें नॉट कहाँ लगाना है. सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू पीपल कि आपको हैड एंड नॉट के बीच में मोहन को या सब्जेक्ट को लगाना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम. अब हम सारी चीज़ों को रिकैप्चुलेट करते हैं. परफेक्ट टेंस जो है वो चुका था, चुकी थी एंड चुके थे से एंड होता है यूजुअली. और इसके साथ साथ इसकी एक और पहचान है कि कोई भी इवेंट जो पास्ट में हो चुका है लेकिन पास्ट के किसी और इवेंट से पहले हो चुका है, दैट कम्स इन पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड यूज करना है, whether it is affirmative sentence, whether negative, whether interrogative or interrogative plus negative. And perfect में आपको सिर्फ verb की third form use करनी है throughout the tenses, जैसे कि affirmative हो गया, negative हो गया, interrogative और interrogative plus negative.
These are few major things जो आपको याद रखनी है. Rest of the things will remain the same. और वो हम विद एग्जाम्पल समझ चुके हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आती है, मैम दैट वाई डू यू यूजली सिंगल एग्जाम्पल. उनके लिए मैं ये आंसर देना चाहती हूँ. द रीज़न आई यूज ओनली मोहन एग्जाम्पल, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से जब आप सारे टेंसेस समझोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. If I will change the example in between, तो आप बोलोगे मैम उस टाइम पे तो हमने ये किया था, उस टाइम पे ये किया था. That is why I always believe कि हम एक example से सारे tenses समझें, बाद में हम लोग दूसरी examples के साथ deal कर सकते हैं, because we will be clear with the base कि tenses कैसे use करते हैं. So this is the reason I always take Mohan. Before ending the video, कुछ examples हैं that I will be giving you, जो मैं आपको देने जा रही हूँ. That will be unsolved examples. मैं हिंदी में examples बोलूँगी या फिर आपके पास written में आएंगी. आपको उन examples को solve करना है. You can either solve them on your register और या फिर आप मुझे comment section में भी उसके answers लिख के बता सकते हैं. That depends upon you. उस answers, उन questions के answers जो होंगे वो description box में mention होंगे. You can check it out. लेकिन एक चीज़ आपको करनी है, you have to tell me कि आपको कौन सी translation translate करते वक्त English में difficulty आई. And you will mention that number, maybe first, सेकेंड, थर्ड या कोई भी ट्रांसलेशन जो आपको करने में ट्रबल लगी, दैट यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड वेरी सून हमारी नेक्स्ट वीडियोज भी अपलोड हो रही हैं. सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया. सो अभी रेड बटन है, यू कैन सी, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब. इवन अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपनी आपके घर में जितने भी मेम्बर्स हैं, टेल देम, क्योंकि दीज आर समथिंग, टेंसेस इज समथिंग जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है. सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि इमीडिएटली जब नेक्स्ट टेंस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी. थैंक यू.